एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आज दिन है ट्यूसडे और डेट है 24 सितंबर और टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर नहाकर पूजा करके फ्री हो गई हूँ। और आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है और मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, लेकिन मैं सोचा पहले आपके साथ थोड़ी सी बात कर ली जाए, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज सुबह से मैंने की है बस घर की क्लीनिंग, पहले नीचे सारा सब कुछ साफ़ करके आई थी और आज बर्तन क्लीन नहीं किया। आज मैं आंटी का वेट कर रही हूँ, आंटी आएंगी यानी आंटी नहीं आई है, 4 दिन की छुट्टी हो गई है, आज 5th डे है, देखो आती है या नहीं। नहीं आएंगी तो मैंने मम्मी को बोला मैं 11 साढ़े 11 तक वेट करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन क्लीन कर लूँगी। और उससे पहले आज मुझे घर की बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ी और ऊपर के पोर्शन की सबसे ज़्यादा हुई है, नीचे कोई ऐसा खास काम नहीं था। जो रेगुलर बेस पर हम क्लीनिंग करते हैं बस वही थी। और ऊपर जाल की साइड मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था मॉर्निंग में, ऊपर कल काम चल रहा था और मैं ऊपर बेडरूम में ही थी दोपहर को, तो जो लेबर थी वो कुछ ऐसे खटखट आवाज़ कर रही थी, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा, इतनी इरिटेटिंग वो आवाज़ थी कि बस कानों में चुभ रही थी। तो मैंने बेडरूम का गेट बंद कर लिया, मैं देख कर आई थी तो वो सिर्फ तोड़ा फोड़ी कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो सीमेंट वाला काम भी होगा। और वहीं पर बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म पड़ी हुई थी जो इनकी सैटरडे की यूनिफॉर्म होती है, मम्मी ने मशीन लगाई थी, ड्रेस नीचे धुली थी लेकिन मैंने ऊपर लाकर बाहर फैला दी थी, नीचे जगह नहीं थी तो मैंने कहा ऊपर सूख जाएगी फिर रख दूंगी। और सारी ड्रेस बच्चों की गंदी हो गई तो मैंने कल उनको फिर पानी में भिगो कर रखा और अभी मॉर्निंग में वॉश करके डाला है। और इतनी सीमेंट बालू आई, इन्होंने ये नहीं बोला कि आप अपने यहाँ से गमले हटा लो तो गमलों में बालू चली जाएगी। पहले नीचे ये सारे गमले रखे हुए थे, इतने अच्छे हरे भरे पौधे थे, लेकिन जो घर में काम चला तो मम्मी का तो नहीं है कि मम्मी गमले उठाकर इधर से उधर कर दें, और ये लोग सब काम ऐसे ही करते रहे। इतना मोटा मोटा सीमेंट गमलों में भरा हुआ था और जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले इनकी सबकी क्लीनिंग की, सब सीमेंट हटाया, जब ये सारा काम नीचे का भी कंप्लीट हो गया था, मम्मी ने बोला अब इकट्ठा ही करना, और सारे पौधे ख़राब हो गए। फिर से मैंने न्यू पौधे लगाए हैं और सबको इतना अच्छे से मैं केयर कर रही थी तो सब एकदम ग्रीन ग्रीन हो गए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज मैंने मॉर्निंग में फिर सब गमलों से सीमेंट हटाई है, पूरे जाल पर सीमेंट हो रहा था, सब क्लीन किया अच्छे से। और मैं नीचे क्लीनिंग पहले कर रही थी, फिर दोबारा से नीचे क्लीनिंग करनी पड़ी, और अभी बस सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है तो अब जा रही हूँ नीचे। कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ें जरा सा ना देखो तो फिर काम बिगड़ ही जाता है, तो बस ऐसे ही काम बढ़ गया मेरे लिए। और चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं और पहले चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर आज मॉर्निंग में मैंने इन्हीं गमलों को अच्छे से क्लीन किया था और उसके बाद कपड़े वगैरह वॉश किए, सबको फैला दिया है कपड़ों को। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर बेडरूम में बैठ गई हूँ मेरा लैपटॉप लेकर, और मैं यहाँ पर एक वीडियो एडिट कर रही हूँ और वीडियो एडिटिंग हो चुकी है। उसके साथ ही काव्य स्कूल से आ चुकी है और ये देखिए काव्य की शैतानी, काव्य अगर फ़ोन देख ले कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है तो बस डांस करना सब कुछ करती रहती है। तो बस लंच हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी ये क्लिप आप देख रहे हैं इवनिंग की। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे लिए कॉफ़ी, और कॉफ़ी मैं ऊपर की किचन में ही बना रही हूँ। तो बस थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद मन होता है कि शाम को चाय कॉफ़ी कुछ पियो। तो यहाँ पर ये मैंने मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना ली है और बस थोड़ी देर कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठूँगी और उसके बाद रेडी होकर मैं जाऊँगी आज मंदिर। आज ट्यूसडे है तो मुझे माँ मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए जाना है। Thank you.
मैं गई थी माँ मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए। आप लोग मंदिर देख कर ही समझ गए होंगे, एवरी ट्यूसडे मैं जाती ही जाती हूँ, हर ट्यूसडे को जाती हूँ। कभी कुछ हो जाए, कहीं बाहर हैं तो बात अलग है, और अगर हम यहाँ पर हैं तो फिर दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। आज मंदिर में चल रहा था सफाई का काम, तो सिर्फ मंदिर की सफाई ही नहीं, मंदिर भी डेकोरेट होगा। तो जैसे कि नवरात्रे आने वाले हैं, और आज मंदिर जाकर ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई। और होता है ना कि जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो फिर हमें भी अंदर से इच्छा हो जाती है कि हम भी फटाफट से अपने घर के ये सारे काम कर लें। और बस नवरात्रि आने वाले हैं तो मैं भी मेरे घर की क्लीनिंग अब स्टार्ट करूँगी, और अच्छे से घर को क्लीन करना है, माता रानी का स्वागत करना है। और आज मैं मंदिर चली गई थी शाम को 4 बजे। आज मैंने दोपहर में सिर्फ आधा घंटे रेस्ट किया है, इतना तेज मतलब नींद आ रही थी, इतना मन कर रहा था कि थोड़ी देर लेट जाओ सो जाओ। और बच्चे स्कूल से आज जल्दी आ गए थे, कल से इनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। और आज मैंने आपके साथ ये ब्लॉग शूट तो कर लिया है, बट मुझे नहीं पता कि मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने वाली हूँ या नहीं, कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है तो बच्चों को पढ़ाना है, और कल कार्तिक के स्कूल की छुट्टी है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और काव्या का कल फर्स्ट उसका टेस्ट है हिंदी का, तो उसको थोड़ी सी अभी तैयारी करानी है, रिविज़न कराना है। और कार्तिक की कल की भी छुट्टी रहेगी, और आज 11 बजे छुट्टी इसीलिए कर दी गई थी कि बच्चे घर पर थोड़ा सा पढ़ पाएँ, और एक हफ्ते पहले इनका सब कुछ यूनिट टेस्ट किस वे से आने वाले हैं, कितना सिलेबस आएगा, क्या आएगा, तो डेट शीट वगैरह सब कुछ दी गई है। तो बच्चों की प्रिपरेशन तो चली रही है, कार्तिक बड़े हैं वो जल्दी कर लेते हैं, काव्या के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और फिर भी हिम्मत करके मैंने आपके साथ ये ब्लॉग स्टार्ट किया। और आज दोपहर को बस काम ख़त्म करके थोड़ा सा घर में ना काम लगने की वजह से, जो हमारे डेली वाले काम होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में हो ही जाता है, तो आज बस सारे काम ऐसे ही फिनिश किए, उसमें देर हो गई। फिर दोपहर को एक वीडियो एडिट किया, फिर 3 बजे तक मैंने वीडियो एडिट किया, और फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए उठी, फटाफट से मंदिर गई। ये बोले चलोगी क्या बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने कहा हाँ बच्चे तो मैं लौट के पढ़ा लूँगी, लेकिन हाँ चलना है। और मंदिर से जस्ट वापस आई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से मेरे कपड़े चेंज करूँगी। और देखिए कार्तिक जा रहा है, कार्तिक जा रहा है नीचे, ऊपर से अभी ऊपर काम चल रहा है तो लोग गए नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद कोई और काम स्टार्ट करती हूँ। हे गाइस, तो आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ सूजी के दही बड़े, और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी सूजी ली है, जिस कटोरी में मैंने दही लिया है इसी से मैंने सूजी को नापा था, और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है आधा कटोरी दही और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच नमक। तो नमक आप टेस्ट को ध्यान में रखते हुए डालिए। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, जिससे कि सूजी अच्छे से भीग जाए। सूजी में ज़्यादा पानी नहीं करना है, बस इसे अच्छे से गीला कर देना है, जिससे कि सूजी फूल जाए। तो मैं आपको एक बार कैमरा पास करके भी दिखाऊंगी, और देखिए मैंने 4 से 5 बार में बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, और ये सूजी अच्छे से भीग चुकी है। तो बस हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है, और हम एक प्लेट से ढककर सूजी को अभी 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक सूजी फूल रही है, तब तक मैंने यहाँ पर चाय बना ली है, और मम्मी और मैं दोनों लोग यहाँ पर साथ में चाय पी रहे हैं। तो एक वीडियो था जिसको मैंने दोपहर को एडिट किया था, उसको मैंने अपलोडिंग पर लगा दिया था, और वीडियो अपलोड हो चुका है, तो बस वही वीडियो मुझे आपके साथ अभी शेयर करना है। तो मैं वीडियो पब्लिश करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा कुछ काम रह जाते हैं बाद में करने के लिए, तो बस वही सब कुछ कर रही थी, और इसी सेम टाइम पर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। तो अभी 20 मिनट हो चुके हैं, और मैं काव्या को पढ़ाने बैठ गई थी, तो मम्मी ने बोला कि चलो मैं बना देती हूँ ये दही बड़े। तो यहाँ पर ये मम्मी बना रही हैं बड़े। तो जो सूजी का हमने बैटर बना कर रखा था, सूजी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी थी, उसे पहले अच्छे से फेंट लीजिए, और उसके बाद जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं, जो हम दाल की पकौड़ियाँ बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर पकौड़ी बना लेनी है। और हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इन पकौड़ियों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, और उसके बाद जो ये पकौड़ियाँ हैं इनको हम सीधा कढ़ाई से निकाल कर डाल देंगे। एक बड़े से बर्तन में पानी रख लीजिए उसमें, और आप चाहें तो पहले प्लेट में निकाल लीजिए उसके बाद डालिए। और उसके बाद जो बैटर रह गया है इसकी भी हम पकौड़ियाँ बना लेंगे, और हम सब पकौड़ियों को सेक कर हमें पानी में डिप करा देना है।
और इसके बाद जिसमें मम्मी बना रही थी पकौड़ियाँ, इसी में ही मम्मी ने तोरी की सब्जी छोंक दी है। शाम की डिनर की भी साथ में तैयारी होती जा रही है, तो ये तोरी की सब्जी तो बनने के लिए रख दी है मम्मी ने इसमें। और इसके साथ ही पकौड़ी काफ़ी अच्छे से पानी में भीग चुकी हैं, तो इनका जो पानी है, इस तरीके से एक एक पकौड़ी हाथ में लेकर मम्मी दबाकर इनका पानी निकाल रही है। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बट आपको इतने में ही समझ आ जाएगा कि इसमें करना क्या था। और मैं अभी आ गई हूँ उठकर देखने के लिए कि मम्मी क्या कर रही हैं। तो ये देखिए, पकौड़ी अच्छे से फूल चुकी है। पानी में डालने के दो फायदे होते हैं, एक तो पकौड़ी अच्छे से भीग जाती है, सेकेंड जो ऑयल होता है निकल जाता है। तो पकौड़ी को बस पानी जब इनका निकल जाए, इसके बाद दही को फेंट कर उसमें डिप करा दीजिए। तो ये देखिए, पकौड़ियाँ जो थी इनको एक बड़े से बाउल में डाल दिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर पकौड़ी को खाने के लिए सर्व कर लिया है। तो जो हमारे दही के बड़े बने हैं सूजी के, और इसके साथ ही मैंने इस पर डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें ये मीठी चटनी। तो ये बनकर तैयार हो चुके हैं इंस्टेंट सूजी दही बड़ा। आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा कि ऐसे दही बड़े कौन कौन बना। हे गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में, और कल का जो वीडियो था इवनिंग में ही छूट गया, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं रहा, और मैं काव्या को पढ़ाने में लगी रही। काव्या थोड़ी सी छोटी है, तो उसको अभी इस टाइम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। आज से बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, और कल मैंने मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट तो कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस वीडियो को आपके साथ कंटिन्यू कर पाऊँगी या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी कि एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। नाइट में वीडियो वहीं छूट गया, और कल मैंने आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर की थी, और फर्स्ट टाइम ही मैंने इसको बनाया था, पहले कभी नहीं बनाया है, लेकिन हाँ ठीक बनी थी, ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी बनी थी, ठीक बनी थी। जैसे कभी इंस्टेंटली इस तरीके से खाने का मन है तो बना सकते हैं, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, और अभी बज रहा है 7:45, और काव्या गई है स्कूल, आज उसका एग्ज़ाम है, आज कार्तिक की छुट्टी है, कल कार्तिक का टेस्ट होगा और कल काव्या की छुट्टी होगी, तो एक एक दिन दोनों बच्चों का है जाने का, तो अभी दोनों बच्चों को पढ़ाने में मैं आजकल ज़्यादा लगी हुई हूँ। सो आपके साथ वीडियो देखते हैं किस तरीके से शेयर कर पाती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, जिससे कि आपको मैं फिर से एक न्यू वीडियो शेयर कर पाऊँ। अभी थोड़ी देर में एक न्यू वीडियो आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगी। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।